सो गाइस कुछ इस तरह से अंदर जो है रखा गया है सामान, जो सामान है सब दिख रहे हैं कुछ तरह से। अभी मैं इसको पूरा अच्छा से घाटता हूँ और इसको खोल के पूरा अच्छा से सेटअप करता हूँ, उसके बाद मैं बोल पाऊँगा इसका क्या क्वालिटी नहीं और कुछ मिसिंग है या नहीं है। वेट ज़्यादा नहीं है, 36 kg का आपसे लिखा हुआ था उसमें वेट, तो उतना ही वेट होगा क्योंकि मैं इसको आराम इजीली उठा पा रहा था वेट को। ठीक है, सो गाइस पूरा ये मैं फिट कर दिया हूँ और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, बिल्ड क्वालिटी जो है ठीक ही है, ठीक हमें यूज़ करने के लिए अच्छा है। हाँ, अगर ओरिजिनल स्टील का बना हुआ है तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होगा, कुछ इस तरह से है दिया हुआ ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये बेंच जो है बेंच के यहाँ पर क्या है कि मैं पूरा कस दिया हूँ, पूरा फिट कर दिया इसको अपने हिसाब से, यार इस तरह से कर सकते हो फिटिंग, फिर इसको उठा के फिर इसको दोबारा इस तरह से कर सकते हो। ये दिया हुआ था अटकाने के लिए, लेकिन इसमें ये फिट नहीं आ रहा ठीक से, मतलब थोड़ा सा के लिए कॉलम हो रहा है। लेट मी शो यू, हालांकि ये ज़रूरी भी नहीं है, वैसे मैं इसको लगाता नहीं, ये बस करता क्या है कि यहाँ से ये निकल के और इस तरफ जो है इसमें जाता तो फिर चेयर जो छा से ये उस तरफ हो जाता। ठीक, लेकिन ये हुआ नहीं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ एरर या फिर कुछ गड़बड़ करके फिट किया हूँ, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैं इसका यूज़ करने वाला नहीं हूँ, मतलब इसको खड़ा करके नहीं रखूँगा, मैं इसको हमेशा गिरा के रखूँगा कुछ इस तरह से। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। अब तो क्लेम किया जा रहा है कि स्टील का बना हुआ है, स्टील का अगर है तो यार ये काफ़ी लंबा टाइम में चलेगा, ख़राब होने का कोई चांस है ही नहीं। ठीक, सो यही रहा, मैं ये रिकमेंड करूँगा ये डिवाइस। ठीक है, मैं इसको रिकमेंड करूँगा यार, अमेजोन पे मिल रहा है, इसको ले सकते हो, घर के लिए इसके लिए बेस्ट है यार। आज इसको मैं एक्सरसाइज भी किया था, अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ मैं खुद अपने हाथ से सेटअप किया हूँ। सेटअप करने में काफ़ी टाइम लग गया है क्योंकि हर इसको को यार कसना पड़ा था, मुझे काफ़ी टाइम लग गया, करीब 1.5 घंटा के आसपास मुझे इसको फिनिश करने में टाइम लग गया, क्योंकि जो मैनुअल मिलता है ना साथ, एक मैनुअल पैक मिलेगा उसमें यार सब कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, और साउंड इको कर रहा होगा, इसको इग्नोर करना है इकोनेस को। ठीक, थोड़ा सा ढक हो रहा है, मतलब थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है प्रोडक्ट में, क्या प्रॉब्लम है मैं दिखा दे रहा हूँ, ये इतना प्रॉब्लम होता ही है। मैं सब जिम मैन का जितना भी जिम का मैं आपसे दिखाऊँ ना, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है। प्रॉब्लम क्या है कि जो इसका अलाइनमेंट है वो सही नहीं है, जो है ना जो ये है ये इसमें जो होल दिया हुआ है एक दो, ठीक है, जो होल दिया हुआ है इधर इधर जो होल दिया हुआ है, और फिर जो इसकी इधर भी जो होल दिया इसको उठने के लिए, अच्छा ये टाइट नहीं है, इसको भी टाइट करना पड़ेगा, इसको टाइट करना भूल गया था मैं, दूसरा मैं उसको टाइट कर दूँगा। ठीक है, सो जो होल दिया हुआ है इधर टाइट नहीं, यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर देखो मेरा जो है दो एक उंगली आ जा रहा है, और फिर थोड़ा सा देखो ध्यान से एक उंगली आ जा रहा है, फिर थोड़ा सा मेरा जगह बच भी जा रहा है। ठीक है, अब इधर अदर हैंड में देखूँगा कि मेरा इधर जो एक उंगली भी नहीं आ पा रहा, सो थोड़ा सा ये टिक रहा है, हालांकि ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये जो है सोल्डिंग से बनाता है लोग, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये जो है जो होल हो रहा है जो छेद करता है इसमें, तो मशीन से करता है तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम है इसमें जो मुझे लगा कि तुम लोग मैसेज करना चाहिए। ठीक है, हालाँकि प्रॉपरली काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जो हल्का सा टीना दिख रहा है, हल्का सा देख रहा हूँ ऊपर से, तो हल्का सा जो है हल्का सा ये टीना दिख रहा है, जस्ट लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा। ठीक है, हल्का सा ये टीना दिख रहा है, मतलब ये जो है थोड़ा सा हल्का सोचते भाग रहा है, देखो मैं सेंटर पकड़ रहा हूँ, ऊपर सेंटर में क्या हो रहा है, ये तो दिखेगा जो हल्का से तो भाग रहा है। ठीक, हालांकि सेटअप करने के बाद तो मुझे सही लग रहा है, ज़्यादा मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, सेटअप करने के बाद मुझे इसका जो अलाइनमेंट है सही लग रहा है।
एक और बात यार कि ये जो है ये एडजस्टेबल है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से। ये जो है यहाँ पर तुम्हारा वेट जो रखता है इसमें, इसके बाद चेयर का एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब वो जो चीज़ का एक्सरसाइज होता है ना उसको। और इसको जो है इसको जो यहाँ से इसको इस तरफ से करके इसको डाउन कर सकते हो और फिर जो इसको उठा सकते हो, ठीक है। सो यही रहा, 14,000 में मैं बोलूँगा अच्छा ही है, हालांकि 14,000 कम नहीं होता है, लेकिन जिम का जो सामान है जितना भी यार वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है यार, काफ़ी एक्सपेंसिव। हालांकि बना क्या है, लोहे का ही तो बना हुआ है यार, हालांकि लिखा हुआ स्टेनलेस स्टील है, लेकिन मैं मैगनेट चिप का तो मैगनेट चिपक जा रहा है। जो स्टील है प्योर स्टील नहीं है, मिक्सिंग हुआ नो डाउट। और एक और बात की जो इसका थिकनेस है, जो मोटापा है या पतलापा जो भी मतलब, वो जो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, काफ़ी पतला है, लेकिन ये मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं कि एक डैमेज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। सो ओवरऑल ठीक है 14,000 में, क्योंकि मेरा वो खुद का जिम है, मैं जिम के लिए सामान मंगाया था, तो देखता हूँ कि बहुत एक्सपेंसिव होता है यार, जिम का सामान जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है, उस हिसाब से पर्सनल होम जिम के लिए यार 14,000 कुछ भी नहीं, ठीक है। सो अगर तुम लोग लेना है तो नीचे लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन एरिया में, वहाँ से ले लेना, मुझे बहुत हेल्पफुल होगा और मैं रिकमेंड करूँगा इस पर, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखो दूसरे दूसरे तरह दिख रहा है।